जी तो व्यूवर्स मूव करते हैं लास्ट टॉपिक पर, पेज नंबर 184 बीआरएस फिजियोलॉजी, और टॉपिक का नाम है डायरिया। केस है मेरे पास, अ मैन रिटर्न फ्रॉम अ ट्रिप अब्रॉड विथ ट्रैवलर्स डायरिया, ही हैज़ वीकनेस, वेट लॉस, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, इंक्रीज पल्स रेट, पेल स्किन, ये सारी चीज़ें डायरिया में होती हैं। अब डायरिया में वन बाय वन देखेंगे हम होता क्या है, क्योंकि आपको ये BCQs में चूज़ करना है। पहली चीज़ डायरिया में होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्यों हुई है मेटाबॉलिक एसिडोसिस? एसिडोसिस की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो लॉस ऑफ बाइकार्बाइन और गेन ऑफ हाइड्रोजन आइन इज कॉल्ड एसिडोसिस। और डायरिया में GI ट्रैक से बहुत सारे बाइकार्ब्स लॉस हो जाते हैं, डिक्रीज बाइकार्ब की कंसंट्रेशन हमारे पास एसिडोसिस करवाती है, और इसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एनएन गैप ज़्यादातर डायरिया में नॉर्मल होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है आपको, एनएन गैप सिंपली आप इलेक्ट्रोलाइट्स में से कैटाइन माइनस एनआइन करके आप एनएन गैप निकाल सकते हैं। डायरिया के अंदर एनएन गैप नॉर्मल होता है। और अगर आपको याद हो जब मैंने मेटाबॉलिक एसिडोसिस पढ़ाया था तो वहाँ पे नॉर्मल एनएन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस की एग्जांपल में डायरिया था। तीसरी ये चीज़ कि डायरिया जो है, क्योंकि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो इसकी कंपनसेशन रेस्पिरेटरी होती है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी कंपनसेशन ऑफ डायरिया क्या है? हाइपरवेंटिलेशन। एसिडोसिस की कंपनसेशन रेस्पिरेटरी क्या होती है? हाइपरवेंटिलेशन। ये भी हम पीछे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। देन हमारे पास डायरिया है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लॉस होता है तो क्या हो रहा है? ECF वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होती है। जब वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होता है BP लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होता है वो इंक्रीज़ होता है, सिंपथेटिक आउटफ्लो को बढ़ाता है, और हमारे पास पल्स रेट इंक्रीज़ हो जाता है। नंबर 1 मेटाबॉलिक एसिडोसिस, नंबर 2 नॉर्मल एनएन गैप, नंबर 3 ECF वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, नंबर 4 हाइपरवेंटिलेशन ड्यू टू दी रेस्पिरेटरी कंपनसेशन, नंबर 5 डिक्रीज BP एंड इंक्रीज पल्स रेट। ये सारी की सारी चीज़ें डायरिया में होती हैं। प्लस जब हमारे पास ECF वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हमारा अल्डोस्टिरोन स्टिमुलेट होता है, अल्डोस्टिरोन सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन करवाना शुरू करता है और पोटेशियम की सिक्रीशन कराता है। जितना ज़्यादा पोटेशियम सिक्रीट होगा हाइपोकैलीमिया हो जाएगा, तो हाइपोकैलीमिया आ गया। ये सारी की सारी चीज़ें डिफरेंट तरीके से सिनेरियोज़ में पूछी जाती हैं, आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ट्रीटमेंट डायरिया में हम रिप्लेस करते हैं सारे लॉसेस को विथ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, और इसके अलावा सोडियम बाइकार्ब और पोटेशियम, ये सारी चीज़ें एज पर नीड दी जाती हैं। इसीलिए अगर आप लोग इमरजेंसी में काम करते हैं और आपके पास डायरिया का केस आता है तो यूरिया, क्रिएटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट करवाना कभी नहीं भूलना, ठीक है, क्योंकि इससे आप पेशेंट को सेव कर सकते हैं। अल्लाह ना करे अगर किसी का बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो चुका है और वो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में जा रहा है, तो इट्स बेटर कि आप टाइमली जो है उसके इलेक्ट्रोलाइट्स करवा लें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी इन वीडियोस से फ़ायदा पहुंच रहा है तो काइंडली आप इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर कोई मिस्टेक है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेक्ट कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फिजियोलॉजी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।